द क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस अप टू 1/2n+1 × 2n+3 इज इक्वल्स टू n/3 × 2n+3. सो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम यहाँ प्रूव करने वाले हैं कि n टर्म्स का जो ये सम है, ये जो टर्म्स की फॉर्म इसमें दी है, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, 1/3 × 5 है, राइट. तो इन टर्म्स का जो सम है वो n/3 × 2n+3 हमें प्रूव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन स्टेटमेंट है इसे हम डिनोट कर लेंगे पी एन से. सो वी हैव पी एन 1/3 × 5, 1/5 × 7, 1/7 × 9 प्लस लास्ट टर्म है हमारे पास nth टर्म 2n+1 2n+3 और इनका जो सम है वो इक्वल है n/3 2n+3 के, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं कि हमारा रिजल्ट ट्रू है या नहीं है. फॉर n इज इक्वल टू 1 p1 यानी कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 1/3 × 5 और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें वन पुट n को 1 पुट करेंगे तो 1/3 × 2+3 तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 1/15 लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी देखो 3+2 5 हो गया, 5+5 × 3 15 हो गया. तो ये हमारे पास ट्रू आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, p1 इज़ ट्रू यानी कि रिजल्ट जो है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, राइट. अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो रिजल्ट है वो k टर्म्स के लिए भी ट्रू है. पहले तो हमने 1 के लिए कर लिया है, अब हम सपोज करने वाले हैं, जैसे हमें n के लिए प्रूव करना है कि n टर्म्स का जो सम है वो इसके इक्वल होना चाहिए. तो अब इससे पहले हमने सपोज कर लिया कि ये k टर्म्स के लिए जो है वो ट्रू है, राइट. ये एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पर, एज्यूम दैट पी के इज ट्रू. दैट इज पी के 1/3 × 5, 1/5 × 7, 1/7 × 9 अप टू 1/2k+1, 2k+3 इज इक्वल्स टू k/3 2k+3. हमने सपोज कर लिया कि k टर्म्स का जो सम है वो इसके इक्वल है, तो इसे हमने इक्वेशन 1 जो है सपोज कर लिया बिकॉज हमें आगे इसका यूज करना है. नाउ वी शैल प्रूव दैट p k+1 इज ऑल्सो ट्रू. अब यही रिजल्ट हम k+1 टर्म्स के लिए ट्रू प्रूव करेंगे. सो हमने n को रिप्लेस किया k+1 से, तो हमारे पास क्या आएगा 5 × 7, 1/7 × 9 अप टू देखो लास्ट टर्म में हमें अब n की जगह पे k+1 पुट करना है, तो यहाँ क्या आएगा 2k+2+1 तो ये हो जाएगा 2k+3 और यहाँ पुट करेंगे 2k+2+3 तो ये 2k+5 हो जाएगा, राइट. और जो प्रूव करना है किसके इक्वल प्रूव करना है, k+1/3 यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास 2k+2 और +3 तो 2k+5 ये हमें प्रूव करना है, राइट. ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है. सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली 1/3 × 5 5 × 7 7 × 9 यहाँ पर लास्ट टर्म जो है वो है k+1 टर्म के लिए. तो k+1 जो टर्म आएगी उससे पहले वाली जो टर्म होगी वो kth टर्म के लिए होगी, तो इससे जो प्रीवियस टर्म है वो हमें यहाँ पर लिखनी है. इससे प्रीवियस टर्म kth टर्म वाली आएगी यानी कि जब इसमें हमने k पुट किया था 2k+1 2k+3 और लास्ट टर्म जो है वो k+1th टर्म, ये हमारी एज इट इज आएगी 2k+3 एंड 2k+5, राइट. ये जो kth टर्म थी वो हमारी एज इट इज़ है, तो हमने इससे पहले की प्रीवियस टर्म kth टर्म भी और लिखी है. उसका रीज़न क्या है, देखो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमने ये सपोज किया था कि k टर्म्स का जो सम है वो k/3 2k+3 है. ये k टर्म्स का सम है यानी कि 1 से लेकर के ये k टर्म्स का सम हमारे पास है. इसमें जो k+1th टर्म है बस हमें वो ऐड करनी है, राइट. तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये k टर्म्स का सम जो है फर्स्ट इक्वेशन से ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
राइट। तो वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, तो सम था हमारा k अपॉन 3 टू के प्लस 3, और जो लास्ट टर्म थी वो ये थी हमारी k प्लस 1 अपॉन सॉरी 1 वन अपॉन 2k+3, 2k+5, राइट। हमें इनको सॉल्व करना है अब यूजिंग इक्वेशन वन, राइट। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेने से पहले हम देख लेते कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन हमारे पास ये 2k+3, 2k+3 कॉमन आ रहा है। 2k+3 हमने फैक्टर कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हमारे पास k बाय 3 बचा, और यहाँ हमारे पास 1 अपॉन 2k+5 बच गया। एलसीएम लेंगे 2k+3, एलसीएम आएगा 3 × 2k+5, सो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आएगा 2k² + 5k, और ये आ गया प्लस 3, 1 अपॉन 2k+3 एज इट इज़। तो अब देखो हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्या न्यूमरेटर के फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पर। तो न्यूमरेटर के फैक्टर अगर हम करके देखते हैं, क्या इक्वेशन है, 2k² + 5k+3, तो 3 × 2 = 6, तो 6 × 1 = 6 या 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3 + 2 = 5, राइट। तो 3k + 2k+3, के कॉमन आएगा 2k+3 प्लस 1 2k+3, तो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं इसके, 2k+3 × k+1, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 3 × 2k+5, राइट। तो अब यहाँ से 2k+3 से 2k+3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास न्यूमिनेटर में, k+1 बच गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 × 2k+5 रह गया। और यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड हमारी यही थी, यही हमें लेके आना था। तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, बिकॉज अगर पी के हमने ट्रू सपोज नहीं किया होता तो हम ये भी प्रूव नहीं कर पाते। तो अगर पी के ट्रू है तो पी के प्लस वन भी ट्रू आएगा, हेंस बाय पी एम आई पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। थैंक यू।